खम्मा गणिसा सब्सक्राइब करो मारा राजस्थान चैनल ने और दबाओ ये बेल आइकन ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारो राजस्थान ब्लॉगर। दोस्तों आज हम आए हैं चित्तौड़गढ़ के किले पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों आप जो हवेली देख रहे हो वो जैमर और फत्ता की हवेली है जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के वीर योद्धा थे। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शिवराज कहाँ है दोस्तों? देख सकते हो शिवराज पेड़ पर चढ़ रहा है। वो रहा। दोस्तों ये वही महल है जब अकबर ने इस किले पर अटैक किया था राजा उदय सिंह के टाइम पर। तब जैमल और फतेह सिंह जी जो राठौर थे उन्होंने इस किले को बचाया था अकबर की सेना से और अपनी शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया था। दोस्तों वो उस टाइम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हम दोस्तों आपको हवेली पास से बताते हैं, पास से जाकर देखते हैं कि कैसा है यहाँ का नज़ारा। तो चलिए फ्रेंड्स, चल जीवराज ये लकड़ी फिर इधर देख, देख उसको। इसका जाने का रास्ता कहाँ से है? ये तो एंट्री गेट है। शिवराज यहाँ पे एक रूम भी बना हुआ है, एक पुराना पुराना सा कोई रूम है यहाँ पे। इसकी दीवारें तो टूट चुकी है दोस्तों। और ये गली कहाँ पे जा रही है? इस पे हम बाद में आएंगे। जैसे कि अपन कोई भी पत्थर से जितने भी मंजिल बनाते हैं उतनी मंजिल अपना घर हो। अच्छा जैमल फत्ता की हवेली अगर आप यहाँ होंगे तो आपको ऐसे पत्थर जमे में मिलेंगे। कैसे? वो देखिए जैसे कि पीछे ये इधर जंगल है क्या? वो चित्तौड़गढ़ की सिटी है। ऐसे पूरा नज़ारा आप देख सकते हो चित्तौड़गढ़ की सिटी का। और ये किले की दीवार है दोस्तों पूरी। और यहाँ से आप कालिका माता का मंदिर भी यहाँ से देख सकते हो। सामने जो मंदिर है वो कालिका माता का मंदिर है। और जो यहाँ के राजा होते थे
वो कालिका माता का पूजन करते थे। जब भी युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो कालिका माता का पूजन कर कर ही जाते थे। पता है शिवराज तेरे को? पता है क्या? और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जैमल फतेह थे वो एक आदमी नहीं था, दो आदमी थे, जैमल और फतेह सिंह। जैमल जी और फतेह सिंह जी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट जगह बताऊंगा। हाँ क्या है यहाँ? ये वाली जगह, ये तो कोई गुफा टाइप लग रही है। मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पे बाल पड़े हुए। शिवराज तो यही रहना, मैं जाके आ रहा हूँ। दोस्तों ये एक सीक्रेट जगह भी है यहाँ पर महल के अंदर, मैं जाके देखूंगा। और दोस्तों यहाँ पर है ना बाल पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों पर किसी के बाल हैं। ये सीक्रेट जगह है, मेरे को ध्यान से चलना होगा। ओ यहाँ पे एक रूम सा बना हुआ है, और ये क्या होगा उस टाइम? क्यों शिवराज? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैमल और फतेह सिंह सिसोदिया जो थे वो एक नहीं दो आदमी थे। एक जैमल राठौर जो बदनौर के रहने वाले थे और मीराबाई के चचेरे भाई थे, और दूसरे का नाम था दोस्तों फतेह सिंह सिसोदिया। जब राजा उदय सिंह जो यहाँ के राजा थे उन्होंने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अपनी नई राजधानी बसाई थी उदयपुर, तब उन्होंने इस किले का जिम्मा जैमल को दिया था और इस किले का उनको किलेदार बना गया था। दोस्तों अकबर ने जब इस किले पर अटैक करने का ट्राई किया और इस किले को चारों तरफ से घेर रखा था 4 महीने तक, और जब अकबर इस किले में एंट्री कर गया, जब अकबर इस किले में एंटर कर गया था तब इस किले पर अटैक किया था, और जैमल और फतेह सिंह जी जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, अपनी शौर्य और वीरता का प्रतीक दिया था उन्होंने दोस्तों इस किले पर। तो आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही। और हमारे चैनल मारो राजस्थान ब्लॉगर को भी सब्सक्राइब करें देखने के लिए। धन्यवाद। ये घर किस चीज के काम आते है? इससे ये होता है कि अपनी अपना घर छोटा होता है, मंजिल है एक या दो मंजिल है, तो इस पे ज्यादा ज्यादा पत्थर जितनी मंजिले बनाते हैं तो उतना बड़ा अपना घर हो जाता है। ओके 3 मंजिल कौन सा, 2 मंजिल कौन सा? ये 3 मंजिल है, 2 मंजिल है, 2 मंजिल ये वाला है। वीर घोड़े नहाने आते थे, पर एक दिन एक मुसलमान ने एक गाय का सिर काट के इस नदी के अंदर डाल दिया। फिर कोई भी घोड़ा इसमें नहाने नहीं आता है। इस वाले में? हाँ। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम साथ तक तो वीरकुंड होगा। शायद तक, पक्का नहीं पता। पक्का नहीं पता, शायद तक वीरकुंड होगा, कुछ ना कुछ तो सुना है मैंने। मेरी बाइक कहाँ है?
तो इंडिया भी लिखा हुआ क्या?